नमस्कार बाबा, राष्ट्रीय न्यूज में आपका स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। अग्यारकुंड प्रखंड के अंतर्गत डुमरकुंडा पंचायत डुमरी जोड़ में कोयले की अवैध खनन के कारण ग्रामीण रोड लगभग 60 मीटर रोड धंस गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि खदान के अंदर 40 से 50 व्यक्तियों का फंसे रहने की संभावना है। स्थानीय लोग भय से भागने लगे। उस पर श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता ने स्थानीय जब अपना बात हमको विधायक मतलब क्या होता है, जनता का प्रतिनिधि तो जनता का सुख दुख में, विधायक का मतलब जब अपना मन खोल के जब यहाँ स्थानीय जो हमारे महिलाएं हैं या हमारे भाइयों हैं जब बता रहे हैं कि क्या सही घटना है, इस तरह से खुल के किसी को बताने का ये लोग इसलिए नहीं बता रहे थे कि इन लोग का डर है अपनापन नहीं लगा कि हम लोग के साथ कुछ करा देगा, कुछ अपनापन महसूस नहीं कर पा रहे थे। आज जब ये अपना घर का आदमी विधायक अपना सदस्य को जब सामने हम आए हैं और मन खोल के जब बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन लोग को डर लग रहा है कि हम पुलिस आया है, पुलिस कुछ कर देगा, पुलिस कुछ। लेकिन हम बोल रहे हैं डरने का कोई जरूरत नहीं है, आप अपना जो सही बात है हमको बताएं और हम उस पर जो इस तरह से खदान चला रहा है या प्रशासन कोई भी हो हम उस पर जरूर कार्रवाई करने का मांग करें। से ये कल की घटना है जो सुनने में आ रहा है, कल सुबह लगभग 8 बजे की घटना है और उस समय हम रांची में थे, थोड़ा सा मेरा एक मीटिंग था। मैं हमको लगता है 8-10 जगह में इस तरह से मतलब एक मुहाना बना के वहाँ से कोयला निकालता है जो हम लोग अभी घूम घाम के देखे। अंत में एक जगह में हम लोग आए और वहाँ देखे स्पॉट में, जब हम लोग वहाँ गए तो वहाँ लगा कुछ दिख रहा है, बोल रहा कि 30-40 आदमी उतरने का ये लोग का सूचना है। हम देखने के बाद तुरंत BCCL GM साहब को हम फ़ोन किए कि इमीडिएट इस जगह का खुदाई हो, जिस जगह कल रेस्क्यू टीम आया हुआ था हमको सुनने में मिल रहा है। लेकिन रेस्क्यू टीम तो आया था वो सुनने मिल रहा है लेकिन जहां रेस्क्यू होना चाहिए था वहां नहीं हुआ है। कल अगर उस जगह में रेस्क्यू होता तो ज़रूर कुछ ना कुछ कल यहां से कुछ निकलता, जो मतलब यहां का जनता बता रहा है। लेकिन CL GM साहब से बात किए कि इमीडिएट आप इस जगह का कोड़ाई खोदिए, जिस जगह में हम लोग बोल रहे हैं वहाँ हम लोग का विश्वास है, यहाँ का जनता का बोलना है कि यहीं से निकलेगा जो हम लोग बोल रहे हैं कि जो यहाँ आदमी फंसा हुआ है। और प्रशासन जो लोकल प्रशासन जो इस एरिया में जो चिरकुंडा थाना प्रभारी, हम उनको भी बोले। और दूसरा बात है जो इतना बड़ा काम कर रहा है, जो यहाँ कोल माफिया कौन है, आखिर कौन है, कौन इस मौत का कुआं यहाँ बना के रख दिया है, कौन इस मौत का मुंह में सबको धकेल रहा है, सबसे पहले उसका मतलब उजागर हो और उस पर कार्रवाई हो। चूँकि इससे पहले भी हमारे यहाँ स्थानीय जनता कुछ पेपर हमको दिए हैं, अभी जो आए वो लोग दिखाया कि हम लोग DC साहब को लिखे हैं, हम लोग लोकल थाना को लिखे हैं, हम लोग बार बार इस चीज़ का सूचना देते आ रहे हैं कि यहाँ बहुत बड़ा घटना घट सकता है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई कोई नहीं किया और न किसी तरह से कोई यहाँ कुछ किया। सरकार की जब से ये हेमंत जी की झारखंड सरकार जब से बनी है तब से कोयला बालू गिट्टी लोहा सब चीज़ का एकदम धड़ल्ले से लूट हो रहा है और आए दिन इस तरह से घटना घट रहा है। और संरक्षण कौन कर रहा है यहाँ, जो उस मतलब गठबंधन सरकार में जो लोग हैं वो लोग उनको समर्थन कर रहे हैं, ना कि भाजपा समर्थन कर रहा है, तो वो लोग पर भी कार्रवाई होना चाहिए जो इस तरह का इतना बड़ा धंधा जो खेला खेला रहा है उस पर भी इमीडिएट कार्रवाई करने का हम मांग करते हैं। और भी लगातार खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, इससे हमारे आने वाली न्यूज की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।